अच्छी जगह। और अभी हम हैं दंतेश्वरी मंदिर के बाहर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है बस्तर के लोगों के लिए, और ये पावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं माँ दंतेश्वरी के। यहाँ पे माता का दांत गिरा हुआ था, इसे यहाँ पे दंतेश्वरी नाम रखा गया है। तो अंदर चलते आपको बताते हैं कैसा है क्या है, चलिए। इस वक्त हम दंतेश्वरी मंदिर के अंदर है। मेन जो मंदिर है वो माता का उस साइड है, वहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अभी हम उसके जस्ट बाजू में एक और मंदिर है माता का, ही है वहाँ पे है। और यहाँ पर आते हैं तो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जो कि वही सिंगल स्टोन से काल की गई है। यहाँ से देखिए आप, जो मेन पत्थर स्टोन होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि दो तीन स्टोन्स को जोड़कर बनाई गई है, पर एक सिंगल स्टोन को कार्व करके बनाई गई है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है। और देखा जाए तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वो भी है, प्रॉब्लम है, क्योंकि आप स्टोन को कार्व कर रहे हो तो पूरा स्टोन भी कभी कभी ब्रेक हो जाता है। तो इतनी बड़ी प्रतिमा बनाना सिंगल स्टोन से, वो बहुत बड़ी बात है, और जो कि एंशियंट क्राफ्टमैन करते हैं। और अगर आप अभी भी बस्तर के एकदम ट्राइबल एरिया में जाओगे तो आज भी वहाँ पे क्राफ्ट्समैन हैं जो इतनी अच्छी मूर्ति आपको बनाकर दे सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ तो आपको दशहरा के समय जो अलग अलग ट्राइबल्स लोग होते हैं बस्तर से, या फिर बस्तर के आसपास जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, वो यहाँ पर आते हैं और माता को अपना ट्रिब्यूट करते हैं कि खुशहाली बनी रहे और उनके क्रॉप्स वगैरह जो उन लोग उगाते हैं वो अच्छे से उगे। तो माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है इनके बीच में, यही बात है। तो आइए चलते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि जो मंदिर बना हुआ है वो लकड़ी और खपड़े के सहारे बना हुआ है, ट्रेडिशनल तरीके से। बस यहाँ का जो स्ट्रक्चर इन लोगों ने लिया है वो लिया है इन लोगों ने सीमेंट से, वो भी अभी भी हुआ है क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा इनोवेशन हुआ। पहले अगर आप आते तो प्रॉपर जो है यहाँ पे सिर्फ वुडन और खपरे का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे ये पिलर है, तो पिलर में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके दोनों हाथ बैक साइड से टच हो जाते हैं तो आप काफ़ी लकी हो। तो हम देखते करके कि हम लकी है कि नहीं। आइए आइए साथ भी तो अगर हमारा हाथ अगर टच हो जाता है दोनों तो हम लकी है। देखो भाई, बस मैं तो लकी नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। आशा करते हैं आपके हाथ जुड़ जाए और आप काफ़ी लकी हो जाओ। तो उसको पहले हमने जो ट्राई किया था पिलर पकड़ने का तरीका, वो ऐसे घुस, तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इससे आपका हाथ नहीं जुड़ पाएंगे, आप लकी नहीं हो पाएंगे। आपको अगर लकी होना है तो ये है मेन तरीका, दिस इज़ द राइट वन। और घूम के दिखाओ मुझे, इससे ये पता चलता है कि मैं भी लकी हूँ। तो भाई ऐसा मत समझना कि तुम्हारा भाई अनलकी। तो अब देखते हैं आयुष भैया ट्राई करके ऐसे ऊपर से टच कर। वाह वैसे टच कर कहाँ यार, आयुष भैया को अपना हाथ ही नहीं होता बताओ। नहीं पूरा ऐसे वो पकड़ते हैं, पकड़ना पड़ता है हाथों को। तो भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है आयुष वैसे यार, गलत है यार, देख लो। चलो आयुष भैया लकी नहीं हो पाए, अब मनीष भैया ट्राई करेंगे। पहले नारियल पकड़ो आप, प्रसाद पकड़िए। देखो इनकी किस्मत भी है। वाह क्या बात है, क्या पोज है। वाह तो दोस्तों
मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे भोले बाबा का भी एक छोटा सा प्रतिमा है। और यहाँ की खास बात यह है कि जो पिलर है पूरा रोटेट होता है, तो हम रोटेट करके दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ ये खासियत है यहाँ की। और सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। अब और कोई ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी में। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमें आगे दीजिए और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।